नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। जिस विशेष सत्र को बुलाकर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास कराया, उसकी चर्चा आने वाले कई साल तक की जाएगी। इस बात को कभी नहीं भूला जा सकेगा कि भारत की नई संसद में नई इबारत लिखी गई। जो पहला बिल पास हुआ वो बिल महिला आरक्षण का था, लेकिन इसी विशेष सत्र में बीजेपी के एक सांसद और उनका बयान भी आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। इन सांसद साहब का नाम है रमेश बिधूड़ी। दक्षिणी दिल्ली से दूसरी बार चुनकर संसद पहुंचे, पहली बार 2014 में, फिर 2019 में। कल लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी चर्चा के बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से, बीएसपी सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनको लेकर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे हम तो यहां नहीं सुना सकते। लेकिन जैसे ही रमेश भिदुड़ी की अभद्र और गालियों से भरी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सियासत में तो हाहाकार मच गया है। आनन फानन में रमेश भिदुड़ी के बयान के विवादित हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटाया गया है। रमेश भिदुड़ी अपने ही साथी सांसद के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिसका इस्तेमाल करने से गली चौराहे के लोग भी बचते हैं। रमेश बिधूड़ी जिस वक्त ये बातें कर रहे थे, उस वक्त स्पीकर ने भी उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश बिधूड़ी अपनी पूरी बात कहने के बाद ही खामोश हुए। और बात में क्या था, सिर्फ गालियां थी, बेहुदा हमले थे सामने बैठे हुए दूसरी पार्टी के सांसद पर। और जिस वक्त रमेश बिधूड़ी संसद में अभद्र बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त तस्वीर जरा गौर से देखिए, उनके ठीक पीछे कौन कौन बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और पूरे वीडियो में ये दोनों सांसद जो बीजेपी के वरिष्ठ लोगों में शामिल हैं, जो बड़े कद्दावर नेता पार्टी के हैं, इन दोनों सांसदों को देखिए ऐसे ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं मानो इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितनी गंभीर आरोप और किस तरीके से जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी गरिमा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे दौरान चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो या फिर रविशंकर प्रसाद, यूं ही हंसते हुए ठहाके लगाते हुए नजर आए। और इस तरीके से बीजेपी के दूसरे कई सांसद भी बिधूड़ी के बयान पर मंद मंद मुस्कुराते रहे। हालांकि अब जब वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दी, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन अब बताने से क्या होगा, वो तस्वीर जो उस वक्त के हालात थे वो तो कैद हो गई है ना, और वो वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये मामला इस वजह से बेहद गंभीर हो रहा है क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने जिस सांसद को निशाना बनाया वो मुस्लिम समाज से आते हैं। रमेश बिधूड़ी मुसलमानों को लेकर पहले भी इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में कुंवर दानिश अली अपना दर्द लेकर स्पीकर के दरबार में पहुंच गए, कार्रवाई की मांग की, बीजेपी और संघ पर सवाल उठा दिए। दानिश अली ने कहा कि जब एक सांसद को लोकतंत्र के मंदिर के भीतर खड़े होकर गालियां दी जा रही थी, जब एक सांसद को धमकाया जा रहा था कि तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा, तो जरा सोचिए फिर आम मुसलमानों के साथ रमेश बिधूड़ी जैसे लोग क्या करते होंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सदन छोड़ने पर भी विचार करेंगे। रमेश बिधूड़ी का बयान भले ही सदन की कार्यवाही से हटा लिया गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कार्रवाई की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध दिया, उन्होंने एक बार फिर देश में मुसलमानों के हालात को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाया कि जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ व्यवहार किया था, उसी तरीके के माहौल और व्यवहार के लिए आज भारत के मुसलमान खतरे की जद में आ गए हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान से हर कोई हैरान, परेशान भी है, और इस अभद्र व्यवहार की निंदा भी की जा रही है। लेकिन रमेश बिधूड़ी को तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना हंगामा होने के बाद भी अभी तक माफी वाला, भले ही खानापूर्ति वाली माफी हो, उस माफी वाला भी एक भी बयान इन सांसद साहब की तरफ से सामने नहीं आया है। कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि व्यवहार पर पार्टी आलाकमान शर्मिंदगी महसूस कर रही है और इसी वजह से पार्टी आलाकमान ने संज्ञान ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है रमेश बिधूड़ी को, 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है रमेश बिधूड़ी से।
और नोटिस में पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए कार्रवाई की जाए। और जानकारी यह भी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रमेश भिदुड़ी के बयान से नाराज हैं। उन्होंने रमेश भिदुड़ी को चेतावनी दी है और भविष्य में ऐसे शब्दों से बचने के लिए कहा है। लेकिन कुछ नेताओं को स्पीकर के फैसले से नाराजगी, वो पूछ रहे हैं जब विपक्षी नेता संसद में कुछ भी कह देते हैं तो रूल बुक का हवाला देकर फौरन विपक्ष के कोटे से आने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। फिर बीजेपी सांसद के मामले में नरमी क्यों बरती जा रही है, उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। कुछ नेताओं ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया बीजेपी बहुत जल्द रमेश भिदुड़ी का प्रमोशन करेगी, हो सकता है उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। रमेश भिदुड़ी ने संसद के भीतर जो बात कही उस पर बीजेपी के किसी भी नेता ने कैमरे पर आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चुनावी मंचों से नेताओं की ऐसी बातें देखिए सुनी जाती रही हैं। इस तरीके के बयान, इस तरीके की गंदी बात, कोट अनकोट गंदी बात, ये राजनीति में कोई नई नहीं है। लेकिन इस बार गंभीरता समझिए, लोकतंत्र का मंदिर संसद, उसके भीतर ऐसी गाली गलौज जैसी गली मोहल्लों में भी ना हो तो मामला तो गंभीर होता है ना। और इसीलिए सवाल है, संसद नई संस्कार वही, इमारत नई इबारत वही, सोच सही कब होगी, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।